जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओमचू में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जय श्री महाकाल यदि आप एक कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, बाबा महाकाल को अच्छा लगेगा और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखे दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को मृत्यु का आभास। उससे पहले एक बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी जातक निःशुल्क ज्योतिष परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी जीवन में तकलीफ हो, परेशानी हो, तो प्लीज़ इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं और बात कर सकते हैं कोई भी तकलीफ हो तो। अब बात करता हूँ वृश्चिक राशि के जातक। जब मैं निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवाता हूँ तो लाखों हज़ारों लोगों में से अधिकतर प्रश्न ये होता है, गुरुजी हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हमें कुछ पता नहीं, और बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न होते हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ कि इस तरह से जो माहौल है उस माहौल को किस तरह बदला जाए। तो यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, आपको गुस्सा आता है, बहुत परेशान रहते हैं जीवन में, तो अपने दिमाग में इस बात को बिठा ले अच्छे से कि यहाँ पर एक दिन हमें जाना है, हम यहाँ पर केवल घूमने और फिरने आए हैं, आनंद लेने आए, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया को देखने आए, और ये जो जन्म है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इन्हें बहुत ही रेयर और रेयर केस में हमें यह जन्म मिला है। वो इसलिए कि उसकी कोई अगर प्रमाण की बात करते हो, उसके प्रमाण यह प्रमाण है कि जो बुद्धिजीवी हम हैं, जो सोचने की क्षमता हमारी है, ऐसा मानव की ये मनुष्य की ऐसी क्षमता किसी भी प्राणी की पूरे इस विश्व जगत में नहीं है। केवल इंसान मानव जो है वही सोच समझ सकता है। तो सोच सकते कि आपका जो जीवन है, आपकी आत्मा है, वो कितनी कितनी बड़ी चीज़ आपको ईश्वर ने अता करी है और उसकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपको मानव जीवन दिया है आपके उद्धार के लिए। तो कभी भी कोई गलत ख्याल आए तो इस बात का जीवन में आभास रखना कि यहाँ से जाने के लिए तो सभी आए हैं, जाना तो एक दिन है ही सही, लेकिन कभी भी गलत कदम उठाकर नहीं जाए। जैसे लोग, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये गलत चीज़ है, ये कायरों की पहचान है। ये जिए, इसे इंजॉय करें, और मैं मानता हूँ कि ख़राब समय आता है, बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन ख़राब समय को भी टाले दोस्तों, और जीवन में हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा लें कि हम आज में जिए, अभी में जिए, और मृत्यु का आभास हमेशा अपने साथ रखें कि एक दिन जाना तो है यहाँ से, कोई इशू वाली बात नहीं। अपना तुम्हारा पराया झगड़े, खर्च करना, ये करना, वो करना, हिसाब किताब सब यहीं छूट जाएगा, शांत मौन चित्त होकर ऊपर जाना है। तो यहाँ का जो सच है उस सच को स्वीकार कर ही जीवन जिए, फिर आनंद देखें दोस्तों। अगर आप मन में इस बात को मान लेंगे कि एक दिन जाना है, फिर देखिए आनंद आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।